नौजवानों को वसाइल मुहैया करें तो मुल्क को खोया हुआ मकाम वापस मिल सकता है। इन्हें 5 लाख तक बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। वजीर आजम ने प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले कि 5 से 15 लाख तक कर्ज पर 5% सूद होगा, मुद्दत 7 साल होगी। नौजवान के लिए 1 लाख लैपटॉप प्रोग्राम लाने का भी ऐलान। बोले जब वजीर आला था तो नौजवानों को लैपटॉप दिए, कहा गया ये सियासी रिश्वत है, पाकिस्तान को बचाना है तो इसकी सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। माली दुश्वारी के बावजूद हुकूमत नौजवानों को बरख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। आसान इक़्तिसाद पर कर्जे दिए जाएंगे। कर्जों की फराहमी के लिए बैंकों को हिदायत जारी कर दी गई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। शहर कायद में दूसरे रोज से बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी। कराची के मुतादिद इलाके तहाल बिजली से महरूम। वाटर पंपिंग स्टेशन, फैक्ट्री पंप्स की सर्विसेज शदीद मुतासर। के इलेक्ट्रिक सिस्टम के सहकाम में मसरूफ। शहर भर में बिजली कब बहाल होगी, इंतजामिया का जवाब देने से गुरेज। वजीर आजम शहबाज शरीफ बिजली बहरान पर वफाकी वजारत तमन्नाई पर बरस पड़े। वजारत की इब्तदाई रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। पावर ब्रेक डाउन से मुतालिक वजाहतों पर खरी खरी सुना दी। काबीना के हम इजलास में कहा कि जो वजीर अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से अदा नहीं कर सकता वो अहदा छोड़ दे। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अवामी शिकायत के फौरी अजाले की हिदायत। शहरियों को होने वाली जहमत पर दिली अफसोस का भी इजहार। ट्वीट में कहा इंक्वायरी से जिम्मेदारों का तायुन किया जाएगा। वफाकी वजारत तवानाई खुर्रम दस्तगीर का तारीखी ब्रेक डाउन के बाद तमाम ग्रिड स्टेशन पर बिजली बहाल करने का ऐलान। पावर हाउस के तमाम 129 ग्रिड स्टेशन पर भी बिजली की तरसील जारी है। के इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से बिजली फराहम कर रहे हैं। सिस्टम में बैरूनी मुदाखलत के खदशे की तहकीकात का भी ऐलान। कहा इंटरनेट हैकिंग से बैरूनी मुदाखलत के इम्कान कम है, तफ्तीश भी होगी। 3 रुकनी तहकीकती टीम की सरबराही मुसद्दिक मालिक करेंगे। पीटीआई की असम्बली में वापसी का इम्कान खत्म। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ की मजीद 43 अरकान के सिफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन को मौसूल अरकान को डी नोटिफाई करने की हिदायत। मंजूर किए गए मजमू इस्तीफों की तादाद 123 हो गई। पीटीआई के मुनहरफ अरकान के अलावा सिर्फ 2 अरकान असम्बली में रह गए। तहरीक इंसाफ के 43 अरकान असम्बली के सिफे 20 जनवरी को ही मंजूर हो गए थे। तहरीक इंसाफ ने वापसी की दरख्वास्त 23 जनवरी को दी। ताखीर ने खेल बिगाड़ दिया। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की दरख्वास्त खिलाफ ज़ाब्ता गैर मौसर थी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के आम और ज़मीनी इंतखाबात पर 15 अरब रुपए के अखराजात आएंगे। पंजाब में 53,000, केपी में 17,000 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। सिक्योरिटी के लिए 5 लाख तक अहलकारों की तैनाती होगी। इलेक्शन की तैयारियों पर चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास से ब्रीफिंग। दोनों सूबों में एक ही रोज इलेक्शन न कराने की भी तजवीज। दुनिया को मौशी और इस्लामोफोबिया जैसे खतरात का सामना है जिसके सदबाब के लिए ठोस इकदाम की जरूरत है। मसाइल के हल के लिए तमाम ममालिक से मिलकर काम करने पर यकीन रखते हैं वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का ताशकंद में इकॉनमिक कॉपरेशन के इजलास से खिताब।
जल्द 3 साल में सखर मोटरवे मुकम्मल करके सिंध को तोहफा देंगे। कराची हैदराबाद के लिए भी नया मोटरवे बनाने की तजवीज़ है। वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद का कराची में तकरीब से खिताब, कहा पीटीआई ने मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया। अवाम जानते हैं हमें किन हालात में हुकूमत मिली। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का राज, सब्सिडाइज आटे और घी के लिए शहरी घंटों इंतजार करने पर मजबूर। मुल्तान में महंगे आटे से शहरी परेशान, आम मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 1900 रुपए में फरोख, सस्ते आटे के लिए शहरी मारे मारे फिरने पर मजबूर। FIA खैबर पख्तूनख्वा जोन के पेशावर में कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस मौजिम गिरफ्तार। मौजिम जुनेद खान ने अपने मुलाजमीन के जरिए गुज़िश्ता 2 साल में 15 लाख डॉलर खरीदे। बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी, सिंध हुकूमत ने मुलाजमतों के लिए उम्र की हद में 15 साल तक की रियायत दे दी। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक आला सरकारी अहदों पुलिस पर नहीं होगा। CTT और पुलिस का इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में मुश्तरक एक्शन, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द धर लिया गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी पुलिस को 10 दिन कबल दहशतगर्द की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत कराची ने नकीबुल्ला महसूद कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। राहुल वार समेत 18 मुलजमान बरी, अदालत का 7 मफरूर मुलजमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म। मफरूर मुलजमान में अमान अल्लाह मुरव्वत, फिदा हुसैन, शेब उर्फ शूटर और दीगर शामिल। मुकदमे में शकूक व शुबात पाए गए, तहरीरी फैसले का मतन। कराची के इलाके रजाक आबाद में सड़क अबूर करते हुए 3 बच्चों को ट्रक ने कुचल डाला, तीनों मौके पर जान बहक। प्रेस के हुकाम के मुताबिक बच्चों की उम्र 10 से 12 साल है। भारतीय दारुलकूमत नई दिल्ली और गिर्दोनवा में जलजिले के झटके, शहरी खौफ से घरों से बाहर निकल आए। शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर टूटे दरवाजे, खिड़कियों की वीडियो भी वायरल। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती पर मुस्लिम दुनिया सरापा एहतजाज, उर्दन, कुवैत, इराक और यमन में रैलियां। तुर्क सदर ने नाटो मेंबरशिप के लिए स्वीडन की हिमायत से इनकार कर दिया। पाकिस्तान से मोटरसाइकिल सवारों का ग्रुप उमरे की सआदत के लिए 17 रोज बाद सऊदी अरब पहुंच गया। पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से शानदार इस्तकबाल, 14,000 किलोमीटर का फासला तय करने वाले आजमीन को एजाजी शील्ड्स भी दी गई। ICC ने वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। बाबर आजम कप्तान मुकर्रर, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, एडम जंपा, न्यूजीलैंड के टॉम लिथम, ट्रेंट बोल्ट भी टीम में शामिल। भारत के 2 और बांग्लादेश का 1 खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा। और ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम ने पहले T20 में पाकिस्तान को 8 विकेटों से मात दे दी। कौमी टीम पहले बैटिंग करते हुए 118 रन बनाकर आउट हुई। मेजबान टीम ने हदफ 4 ओवर में 2 विकेटों पर हासिल कर लिया।